आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं पालक पनीर बनाने जा रही हूँ। दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इससे पहले जो भी मेरे वीडियो पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप लोगों तक पहुँचे। चलते हैं इसे बनाते हैं। ये फ्रेश पालक ली हूँ, गार्डन का ये पालक है, इसको धो ली हूँ अच्छे से। और ये धनिया पत्ती है, इसको भी धो ली हूँ। गैस ऑन कर कढ़ाई रख दी हूँ। अब इसमें पानी डाल देंगे। अब पानी को बॉयल होने देंगे। इसे थोड़ा पानी को ढक दे रही हूँ। देखिए पानी गर्म हो गया है, इसमें पालक डाल देंगे। अब इसे 2 मिनट बॉयल करेंगे, इसको फिर थोड़ी देर बाद दबा देंगे। 2 मिनट हो गया है। अब इसमें ये धनिया भी डाल देंगे, इसको भी 1 मिनट बॉयल करेंगे, ज़्यादा देर नहीं। ताकि जो धनिया का कच्चापन होगा वो उसका स्मेल निकल जाएगा, कच्चापन वाला। करके 1 मिनट और बॉईल कर लेंगे। 1 मिनट हो गया है, देखिए रेडी हो गया पालक। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ। अब इसको छान लेंगे पालक को। पूरा पालक छान ली। अब इसमें तुरंत गर्मा गर्म पानी, पालक में ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये ओवर कुक नहीं होगा। इसका कलर ठंडा पानी डालने से बिल्कुल ग्रीन ग्रीन रहेगा। 1 टमाटर, 1 प्याज, लहसुन की कुछ कलियाँ, 1 अदरक का ये टुकड़ा है और 2 हरी मिर्च है। इन सबों का रफली काट लेती हूँ। धो छिल ली हूँ प्याज को और उसके बाद छिल उसको धो ली हूँ अच्छे से। इसको रफली मोटा मोटा काट लेंगे। ऐसे ही टमाटर भी काट लूँगी। गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी हूँ। तेल डाल दूँगी 2 चम्मच के बराबर, साथ ही इसमें जीरा भी डाल दे रही हूँ। जीरा रेडी हो गया है, प्याज डाल दे रही हूँ, साथ ही लहसुन अदरक और हरी मिर्च। इसको हल्का सा भूनेंगे ताकि प्याज नरम हो जाए और कलर भी चेंज हो जाए थोड़ा सा, कच्चापन। देखिए प्याज हो गया है। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। टमाटर को भी पका लेंगे। जब तक टमाटर पक रहा है तब तक मसाले तैयार कर लेते हैं। हल्दी पाउडर है 1/2 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच और धनिया पाउडर डाल दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, और ये सीक्रेट है 1 चम्मच आटा, ज़्यादा नहीं, 1 ही चम्मच आटा डालेंगे। इतना ही मसाला पड़ेगा इसमें। इसे देख ले रहे हैं चला करके। ये हो गया है, टमाटर गल गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। इसको एक बर्तन में निकाल करके ठंडा कर लेंगे। बाकी के सारे ऐसे ही निकाल ले रही हूँ।
ये जो प्याज लहसुन अदरक टमाटर का बनाई थी भून करके उसको मिक्सी के जार में डाल देंगे। साथ ही ये पालक को भी इसी में डाल देंगे। इसका बिल्कुल महीन पेस्ट बना लेंगे। देखिए इसका पेस्ट बना ली हूँ, कलर बिल्कुल कितना अच्छा आया है। अब गैस ऑन कर कढ़ाई रख दे रही हूँ, गैस ऑन करके वही कढ़ाई रख दी हूँ। अब इसमें तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो गया है, जो ये मसाले कटोरी में रखी थी इसको डाल करके भून लेंगे। इसको अच्छे से भूनेंगे क्योंकि इसके अंदर आटा है। मसाले भून गया, अब इसमें जो पालक का और वो टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट बनाई थी इसको डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे मसाले को। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। ये मिक्सी के जार में पानी डाल करके इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसको एक बॉयल आने तक इसको ढक करके पकाएंगे। ये 250 ग्राम पनीर है, इसको पीस पीस काट ली हूँ। अब इसमें पनीर ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक को अच्छे से मिक्स कर ली। अब इसको ढक करके 5 मिनट पकाएंगे। अब टमाटर पड़ा है तो थोड़ा सा इसमें दही डाल देंगे 2 चम्मच। इसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें गरम मसाला भी डाल देंगे। अब इसको 1 मिनट और पकाएंगे ढक करके। 1 मिनट हो गया, देखिए पालक पनीर रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ।